भारत में एक खास वर्ग है जो खुद को पढ़ा लिखा भी कहता है, बुद्धिजीवी भी कहता है और खुद को बहुत मॉडर्न भी समझता है। वो खास वर्ग हमेशा आतंकवादियों की, माफियाओं की, बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुपों की पैरवी करता हुआ आपको नजर आएगा, जिसमें आपको कुछ वकील भी नजर आएंगे और कुछ डिजाइनर पत्रकार भी उसमें शामिल हैं, जो भारत की संप्रभुता को, भारत की सभ्यता को बार बार चुनौती देते रहते हैं, बार बार कटघरे में भी खड़ा करते रहते हैं, लेकिन वो इन गुंडे मवालियों, माफियाओं, टेररिस्टों के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं, जिनको किसी का दर्द दर्द नजर नहीं आता है और किसी को भी वो ऐसा नहीं समझते हैं कि उसका दर्द भी कुछ हो सकता है या उसके ऊपर अगर कुछ बीत रहा है तो वो घटना सच्ची भी होगी। उनको हर समय यही लगता है कि ये एक प्रोपोगेंडा है, उनको हर समय यही लगता है कि ये चुनाव जीतने के लिए हो रहा है और उनको हर समय यही लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सभी गलत बोल रहे हैं। और उसी खास वर्ग ने भारत के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि यहां उनके जो समर्थक हैं वो भी इतने पैदा हो गए हैं कि सरेआम आतंकवादियों का समर्थन करना, सरेआम गुंडों माफियाओं के बारे में सरेआम अच्छी बातें बोलना, किसी को भटका हुआ नौजवान कह देना, आतंकवादियों को किसी को किसी हेडमास्टर का मासूम बच्चा बता देना और किसी को ये कह देना कि यह घटना तो कहीं हुई ही नहीं थी, एक छोटा सा मुद्दा, किसी अखलाक का अपने पड़ोसियों के साथ हुआ हुआ मुद्दा यूएन तक पहुंच जाता है और इतना भारी एक जेनोसाइड, जिसको कि भारत के अंदर भी कहीं अखबारों में जगह नहीं मिल पाती है, कहीं किसी स्ट्रीम मीडिया के अंदर जगह नहीं मिल पाती है, वो तक भी हो जाता है। आपने देखा होगा, आप सभी और हम सभी जानते हैं कि 1990 के दौर में कश्मीर में क्या हुआ था, किस प्रकार से वहां पे हिंदुओं को मारा गया था, हिंदुओं के घर फूके गए थे, जलाया गया था, कितने बेरहमी से उन लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया था, कितनी बेरहमी से उन लोगों को मारा काटा वहां पे गया था और किस तरीके से उन लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा था, जबरन धर्मांतरण करवाया गया, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों के साथ रेप तक किए गए और उनको वहां पे सेक्स स्लेव बना करके भी रखा गया। उसके ऊपर एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स के नाम से, जिसको प्रोपोगेंडा बताया गया, जिसको चुनाव जीतने का एक तरीका बताया गया। कुछ मुख्यमंत्री तो इतने बेशर्म निकले कि विधानसभा में खड़े होकर के ठहाके लगा लगा करके हंस रहे थे, समझ नहीं आता कि वो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते होंगे। अब एक और मूवी आई है, मूवी का नाम है द केरला स्टोरी। इस मूवी के अंदर केरल में हो रहे लोगों के साथ अत्याचार को दर्शाया गया है कि कैसे वहां पे हिंदुओं के साथ इतने बड़े स्तर के ऊपर धर्मांतरण हो रहा है, उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है और ना सिर्फ उन लड़कियों को मुस्लिम बनाया जा रहा है बल्कि उनको आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन में भेजा जा रहा है, दूसरे शब्दों में कहें तो वहां पे उनको बेचा जा रहा है और उनको वहां सेक्स स्लेव भी बनाया जा रहा है, साथ साथ उन महिलाओं को खूंखार टेररिस्ट भी बनाया जा रहा है। यहां केरल के अंदर उनको बहला कर फुसला कर सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद में मुस्लिम लड़कों से उनका विवाह करवा दिया जाता है, निकाह पढ़वाने के बाद उनको उन्हीं लड़कों के साथ अफगानिस्तान, सीरिया जैसी जगहों पर भेज दिया जाता है और वहां उनके साथ जो होता है वो आप सभी जानते हैं, आजकल देख भी रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों को भी प्रोपोगेंडा
प्रोपोगेंडा बता दिया जा रहा है, वही खास वर्ग, वही एलीट वर्ग एक बार फिर से खड़ा हो गया है इन सभी को प्रोपोगेंडा बताने के लिए, चुनावी साजिश बताने के लिए, और उन लोगों के दुख और दर्द पर हंसने के लिए वो एक वर्ग दोबारा खड़ा हो गया, दोबारा से आपको ठहाके भी लगाते हुए वो लोग नजर आएंगे, और कितनी बेशर्मी से वो ठहाके लगाते हैं वो आप सभी लोग भी जानते हैं। जबकि वहां के केरल के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस के बड़े नेता ओमान चांडी भी किसी समय पे मान चुके हैं कि केरल के अंदर बड़े स्तर पे धर्मांतरण हो रहा है हिंदुओं का। उसके साथ साथ वहां के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वीएस अच्युतानंद जी, वो भी 2006 से 11 के दौर में वहां के मुख्यमंत्री रहे, और 2010 में उन्होंने एक बयान दिया था कि ऐसा ही अगर चलता रहा, धर्मांतरण इतने बड़े स्तर पर चलता रहा, तो आने वाले 20 साल के अंदर केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और आज उसी के ऊपर एक मूवी बनती है कि किस प्रकार से 32,000 युवतियों का 10 साल के अंदर धर्मांतरण करवाया गया और उनको ISIS से जोड़ दिया गया। वही लोबी, जो एलीट लोबी है, वही वर्ग जो अपने आप को खास समझता है, वो एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और इन सभी चीजों को बुरा बताने लगा है। कहने लगे हैं लोग कि ये तो केरल की छवि को बिगाड़ा जा रहा है। जनाब, अगर ऐसा हो ही रहा है तो केरल की क्या इससे छवि सुधर रही है? ऐसे ही और भी मामले सामने आ रहे हैं। अभी जब वहां पे तालिबान ने दोबारा से कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो वहां 4 महिलाएं उनकी जेलों में मिली जिन्होंने कि बाहर आकर के अपनी हकीकत को बयां किया कि हम लोगों को ऐसे ऐसे वहां से बुलाया गया और ऐसे ऐसे उनको टेररिस्ट बनाया गया। ना जाने कितनी ही वैसी लड़कियों को, उन जैसी ही लड़कियों को वहां पे इसी तरीके से बुलाया गया और उसके बाद में उनको इस दलदल के अंदर झोंक दिया गया जिससे कि वो कभी बाहर ही ना निकल पाए। ऐसा ही बड़े स्तर पर हो रहा है। सरकारों को इनकी जांच भी करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस मूवी को जाकर के आप जरूर देख लें ताकि हकीकत का आप लोगों को अंदाजा हो जाए, पता लग जाए। हर दिन लोग कहते हैं कि मेरी चारपाई के नीचे सांप मैंने देख लिया है, इसलिए मैं जाग रहा हूं और चिंतित हूं, लेकिन आप अभी तक सोए हुए हैं। आपकी नीचे की जो चारपाई है उसके नीचे जो सांप बैठा हुआ है वो आपको अभी नजर नहीं आया है। जिस दिन नजर आएगा उस दिन तक शायद बहुत देर हो जाए, क्योंकि आग दूसरों के घरों में लगती है तो लोग मजे लेते हैं, लेकिन जब अपने घर में आग लगती है तो लोगों को दुख होता है, और यही दुख आज के दिन केरलवासी झेल रहे हैं। उनको पता है कि जो यहां पे अटहास करते हैं, जो ठहाके मार मार के हंस रहा है जो वर्ग, वो उनको कितना दर्द दे रहा है, और इन लोगों को देख करके वहां पे वो लोग दिन रात रो रहे हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस मूवी से केरला की छवि खराब हो रही है। इसके अगेंस्ट में कोर्ट में भी जो याचिकाएं हैं वो डाल दी गई हैं मूवी को रोकने के लिए, लेकिन मूवियों को तब नहीं रोका जाता है जब 1970 के दौर से आज तक मूवीज के अंदर आपने देखा होगा किसी भी भगवा पहने हुए, तिलक लगाए हुए व्यक्ति को क्या आपने किसी पॉजिटिव रोल में आज तक देखा है? प्रोपोगेंडा कहते हैं इसको। ये उन लोगों को नॉर्मल लगता है और जो हकीकत होती है उसको वो प्रोपोगेंडा बताते हैं। आप इस मूवी को देखिएगा जरूर, नहीं तो आप हकीकत को कभी नहीं जान पाएंगे और हकीकत को समझने की कोशिशें भी करते रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।